भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार आगामी विधानसभा को दृष्टिगत रखते हुए आज कसरावत सामुदायिक भवन में निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त प्रकाशन को लेकर जिले के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान केंद्रों पर नियुक्त 253 बीएलओ को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा द्वारा बीएलओ एवं सुपरवाइजर को विशेष बिंदु से अवगत कराया गया। विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराने में बीएलओ की भूमिका के बारे में बताया। कार्यक्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं राजस्व कसरावत अग्रिम कुमार द्वारा बीएलओ एवं सुपरवाइजर को महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रशिक्षित किया गया एवं उपस्थित बीएलओ एवं सुपरवाइजर को परिचय पत्र वितरित किए गए। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनौतियां बड़ी होती है, नया जिला है, किस तरीके से रोड में बनाया, क्या तैयारी चल रही है और क्या चुनौतियां आ रही है आपके सामने? नहीं, हमारे पास कोई चुनौती नहीं है। इसमें निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया, इसके सभी के नियम बने रहते हैं और निर्वाचन आयोग ने अपनी चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी को विशेषज्ञ ट्रेनिंग भी हो गई है। अभी विशेष जो काम हमको करना है इस समय, अभी 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त परीक्षण होना है। आयोग की यह मंशा है कि इसमें जो भी युवक युवती जो 18 साल से ऊपर के एक अक्टूबर को हो रहे हैं, यानी कि 1 अक्टूबर को 18 साल उम्र हो जाएगी, वो ऐसे सभी युवा युवती अपने मतदाता सूची में नाम जुड़वा लें और मतदाता सूची में कोई मृतक टाइप के जो मतदाता जुड़े हुए हैं उनके नाम भी कट जाएं। मतदाता सूची जितनी सही बनेगी निर्वाचन प्रक्रिया उतनी ही निष्पक्ष और बेहतर होगी। उसके लिए आज मैंने जो कसरावत विधानसभा के सभी 250 बीएलओ की यहाँ पर एक मीटिंग में हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग रखी गई है। मुझे भी उनको कुछ जो प्रशासन से बताना है कि भाई आपको कहाँ सावधान रखना है, मतदाता सूची में कैसे शुद्धिकरण हो, ये उनको बताया गया हुआ है। मैंने कल खरगोन जिले में भी भगवानपुरा और खरगोन 2 विधानसभाओं के बीएलओ से बात की थी और अभी इसके बाद मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जिले के सभी विधानसभाओं के बीएलओ की मीटिंग ले रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे जिले में चुनाव प्रक्रिया इतनी अच्छी हो, इसमें कोई त्रुटि ना हो, इसलिए लगातार प्रयास जारी है। मतदान केंद्रों का भी सत्यापन हो चुका है, मतदान केंद्रों का जो सुविधा है, क्या क्या सुविधाओं की कमी है, वो हमारी लिस्ट वही उनको भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मतदान सूची, मतदान केंद्र, इसके साथ साथ में जो चुनाव की आगे प्रक्रिया है, मतदान दलों गठन टाइप की प्रक्रिया है, तो कर्मचारियों का जो डेटा हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, ईवीएम का हमारा काम हो चुका है, जो ईवीएम की जो तैयारी करनी पड़ती है फर्स्ट लेवल चेकिंग, वो जिले में पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के समक्ष में उसका पूरी तैयारी कर ली गई है और वो हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई है। तो हमारी तैयारी लगभग पूर्ण इस तरह से चल रही है। जो समय सीमा दी है उसमें जो जो काम आगे होना है वो हम आगे करेंगे। निश्चित ही खरगोन जिला शांतिपूर्ण मतदान के लिए जाना जाता है, मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी जब मतदान होगा तब संदेश अलग देंगे, अभी तो मतदाताओं को यही संदेश दूंगा कि भाई जो जिन लोगों की उम्र 18 साल हो गई है वो अपने मतदाता पुरुष का नाम जुड़वा लें मतदाता सूची में। ये उनको अवसर है, 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मतदाता सूची का प्रकाशन रहेगा। मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ से पूछ सकते हैं और इसमें ऑनलाइन व्यवस्था भी है। आप लोगों, मैंने हमारे सभी अधिकारियों को बोला हुआ है, हम लोग सोशल मीडिया माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, पेपर के माध्यम से कर रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को भटकने की जरूरत नहीं है, वो अपना जो नाम चेक करने का तरीका भी है। अभी आप जो ईसीआई की जो वेबसाइट पर जाकर के अपना मतदाता सूची नाम चेक कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं, हमारे जो बीएलओ के पास गरुड़ ऐप भी है। तो कई 3-4 तरीके हैं जो ऑनलाइन भी अपना नाम चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन नाम जोड़ने का अप्लाई भी कर सकते हो, सारी काम ऑनलाइन कर सकते हो, जिस तरह से हम लोग दूसरे काम ऑनलाइन करते हैं, मतदाता सूची भी हमारी पूरी ऑनलाइन उपलब्ध है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो लोग मतदाता सूची को लेकर के उनको कुछ चेक करना हो, मतदाता सूची सही है गलत है, वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।